बिग बॉस के घर में गई है वड़ा पाव गर्ल और यहाँ भी पुलिस से और कंट्रोवर्सी से उनका पीछा छूटा नहीं है। यहाँ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर की कंट्रोवर्सी फिर से पैदा हो गई है, उनके सर पर आकर गिरी है। दरअसल उन्होंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया है, अपना एक दुकान एक्चुअली चला रही है वो वड़ा पाव की दिल्ली इलाके में ही। और ऐसे में यहाँ पर पहुंचे एक शख्स उनका वड़ा पाव खाने के लिए, जिसने कर दिया उनके खिलाफ कंप्लेंट। और अब वो शख्स कौन है? वो फैजान अंसारी है। जी हाँ, फैजान अंसारी की एक तस्वीर ये सामने आई है और जो उन्होंने फाइल कंप्लेंट की है वो भी सामने आ चुकी है। फैजान का यहाँ पर ये कहना है कि वो फेमस वड़ा पाव गर्ल की शॉप पर गए थे वड़ा पाव खाने के लिए, जिसके बाद हो गए वो बीमार क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत खराब थी और जिस वजह से उन्हें रहना पड़ा हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने सही चीज नहीं खाई है, जिसके बाद अब वो केस डाल चुके हैं वड़ा पाव गर्ल पर, उनकी दुकान पर, उनके इस बिजनेस पर। अब खुद तो घर के अंदर है वड़ा पाव गर्ल, अब इस झमेले से कौन यहाँ पर लड़ेगा? उनके पति, उनकी फैमिली और उनके लॉयर, जाहिर सी बात है। लेकिन जब ये घर के अंदर बात पहुंचेगी वड़ा पाव तक यानी कि चंद्रिका तक, तो उन्हें गुस्सा जरूर आएगा। लेकिन लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट है और पुलिस कंप्लेंट है तो काफी हद तक ये बात सही है कि आखिर उनकी फूड क्वालिटी के कारण ही वो बीमार पड़े हैं, जिस वजह से उन्होंने डिफेमेशन का केस डाला है। क्या कहेंगे आखिर इस पर? आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।